नमस्कार दोस्तों, टेक्नो गाइड में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, शाओमी का रेडमी 4 आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। चलिए अब इसकी स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको 5 इंच की HD डिस्प्ले मिलेगी, फुल HD नहीं होगी, कोई बात नहीं है ज़्यादा। और स्नैपड्रैगन 435 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा, 4100 mAh की बैटरी मिलेगी और मेटल बॉडी के अंदर होगा। और बात करें इसके कैमरे की, तो कैमरा होगा। और बात करें इसके रैम की, तो इसके आपको 2 GB रैम एंड 3 GB रैम के मॉडल में अवेलेबल होगा। और GPU इसके अंदर एड्रीनो 505 CPU मिलेगा। और इसका 4 GB रैम का भी मॉडल अभी इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन 10 से 12 दिनों में हो जाएगा। और 4 GB प्लस 64 GB होगा। इसकी मेमोरी को हम 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। और बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो ये 36 hours तक परफॉर्मेंस दे सकता है। कैमरा के अंदर आपको 2.0 का फेस अपर्चर दिया हुआ है, लो लाइट सपोर्टेड है एंड फेस रिकग्निशन मेथड्स इसके अंदर है। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको 1080x720 पिक्सल्स की 30 FPS के साथ ही आपकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और नाइट डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलती है। सिम कार्ड की बात करें, तो इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, मतलब आप 3 choose 2, मतलब आप या तो 1 SIM या फिर मेमोरी कार्ड या फिर 2 SIM कार्ड एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन आगे आप तीनों एक साथ लगा सकते हैं। और GSM एंड 4G वोल्टी ही होगा ये। और इसके बात करें इसके वेट की, तो वेट आपको 133 grams मिलेगा। और बाकी स्पेसिफिकेशंस बाकी फ़ोनों की तरह ही है। पैकेज के अंदर आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा, एक यूज़र का इंस्ट्रक्शन टूल, एक रेडमी 4 एंड पावर एडेप्टर मिलेगा। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने लॉन्च कर दिया है, क्योंकि इन्होंने जो Xiaomi का भी जो Redmi 4A आया था उसके अंदर फिंगरप्रिंट नहीं था, और उसके अंदर फिंगरप्रिंट लाके काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसकी फर्स्ट सेल 23 मई को लगेगी, लेकिन अभी भी ये MI स्टोर पे बाय नाउ करने पे देखते हैं, तो बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपको दिखा रहा है 23 के बाद आपके पास आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मिड रेंज के अंदर ले सकते हैं।